सीखते हैं पंजाब का बहुत ही मशहूर डिश पिंडी छोले। छोले जो है ये भटूरे के साथ खाया जाता है, रोटियों के साथ खा सकते हैं, कभी चावल के साथ भी कोई खा लेता है, पुलाव के साथ खाते हैं। तो छोले इज़ अ वेरी वेरी रिच डिश। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा चिक पीस, यानी कि काबुली चना। ये क्या है, हम रात को इसको पानी में सोक कर देते हैं इस तरह चाय की पत्तियों के साथ। तो इसको हम चाय पत्ती के साथ उबालते हैं ताकि वो छोले जो है वो इस तरह का बन जाए। वो अच्छा सा इस चने को लेके हम पकाते हैं पिंडी छोले। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा सबसे पहले जीरा पाउडर, काला नमक, गरम मसाला पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर, और रेड चिली पाउडर, कटे हुए हरा धनिया, ग्रीन चिलीज, और खास एक ऐसा पाउडर है ये, इसको अनारदाना कहते हैं, और फिर लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, जिंजर की हल्के से जूलियन, और नींबू गार्निश करने के लिए प्याज। तो चलिए अभी हम छोले तो उबला हुआ हमारा तैयार है, अब इसमें तड़का डालना है। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेते हैं, इसमें तेल गरम करते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा तेल, और तेल जैसे गरम होता है हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर तड़का बनाएंगे। तो छोले का खासियत क्या है, अब जैसे आप जानते हैं इसमें सिर्फ चाय की पत्ती से उबला हुआ छोले हैं, इसमें ना नमक है, ना सीजनिंग है, ना कुछ है। लेकिन जब हम ये सारे आइटम्स डाल के हम बनाएंगे तो मेरा सजेशन ये है कि इसको कम से कम 2-3 घंटे ऐसे रख दें ताकि सारे मसाले अंदर जाएं और छोले का स्वाद दुगना हो जाए। तो तेल गर्म है अभी, अभी इसमें लेंगे हम हल्का सा जिंजर के जूलियन और कटे हुए ग्रीन चिली। और जैसे थोड़ा सा गर्म होता है इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर सारे मसाला एक एक करके हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, और फिर इसमें काला नमक और ड्राई जिंजर पाउडर। तो फिर इसको हल्का सा हिला के जैसे मसाला तैयार हो जाता है इसमें हम उबले हुए छोले डाल लेते हैं। लीजिए हम डाल दिए, अभी इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो जैसे अभी पकने लगता है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और उबालने के लिए रख देते हैं। अब इसमें चना मसाला डाल देते हैं और फिर स्वाद अनुसार नमक। तो ये हो गया छोले, ये जैसे उबलते जाता है थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। तो इसके बाद जैसे हम चेक करेंगे, देखिए जैसे चना अपना तो उबला हुआ है, बस इतना सॉफ्ट सा उबल गया है। अब ये छोले हमारा तैयार है, इसको हम डिश आउट करेंगे और अच्छी तरह इसको गार्निश करेंगे। इसके साथ जैसे बताया था हम भटूरा खा सकते हैं या रोटी खा सकते हैं। और पंजाब का एक बहुत ही मशहूर पिकल है पंचरंगा पिकल, वो पिकल के साथ खाओ तो बस इस छोले का जवाब ही नहीं। ये लीजिए तो छोले तैयार है। तभी इसको गार्निश करने के लिए हम इसमें अकादा प्याज लेते हैं और नींबू, और चाहो तो 1-2 ग्रीन चिलीज। ये हो गया हमारा पिंडी छोले।